इंदौर की बहुचर्चित होटल वाओ के भूखंड पर अनाधिकृत रूप से होटल बनाने का मामला अब गहरा गया। जांच के बाद आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू ने धोखाधड़ी का सनसनीखेज मामला दर्ज कर लिया। इस मामले में ईओडब्ल्यू ने बयान लेने शुरू कर दिए। मामले से जुड़े पीड़ित किसान ने अपने बयान दर्ज करवाने के साथ ईओडब्ल्यू से गुहार लगाई कि इस मामले में उन रसूखदारों के खिलाफ भी मामला दर्ज हो, उन्हें आरोपित बनाया जाए जो छूट गए। इस मामले में ईओडब्ल्यू दो महिला कारोबारी समेत 5 नामचीन उद्योगपतियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर चुकी है। पीड़ित किसान का यह भी कहना है कि वो इन दिनों डरा और सहमा हुआ है। जब से मामला दर्ज हुआ, आपराधिक प्रवृत्ति के बदमाश उसका पीछा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में जमीन के जालसाज हैं कि अपनी करतूतों से बाज नहीं आते। शहर में इस तरह के कई मामले हैं, लेकिन इन दिनों होटल वाओ के भूखंड का मामला गर्माता जा रहा है। इस मामले में आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर चुकी है और अब इस बहुचर्चित मामले में इंदौर ईओडब्ल्यू ने बयान लेने भी शुरू कर दी। पीड़ित किसान जगदीश चंद्र पालीवाल अपने बयान दर्ज करवाने पहुंचे और ईओडब्ल्यू से गुहार लगाई। इस मामले में उन रसूखदारों के खिलाफ भी मामला दर्ज कर उन्हें आरोपित बनाया जाए जो छूट गए हैं। हाँ, मैंने उसमें चूंकि इसके अंदर अभी जो वर्तमान में 90% के पार्टनर हैं उनमें से सिर्फ एक व्यक्ति को ही अपराधी बनाया गया और दो जो पहले 7 जनों के डीड में शामिल थे उन लोगों को भी छोड़ दिया गया और 3 लोगों को ये बाद वाली डीड में से छोड़ दिया गया। तो मैंने ये आवेदन दिया और निवेदन किया कि भाई उन लोगों को भी अपराधी बनाया। पीड़ित किसान जगदीश का कहना है कि इस मामले में ईओडब्ल्यू ने 90% पार्टनर रहे केवल एक उद्योगपति को ही आरोपी बनाया, जबकि इस डील में जो 7 नामचीन उद्योगपति थे उन खतागारों को छोड़ दिया गया। इसमें पूनम वाधवानी, सुषमा वाधवानी, मेघना वाधवानी, मंगवानी एंटरप्राइजेस और मंगवानी ब्रदर्स शामिल है। इस संबंध में मैंने आवेदन दिया है। पूनम वाधवानी, सुषमा वाधवानी और मेघना वाधवानी, मनवानी इंटरप्राइजेज और मनवानी ब्रदर्स। पीड़ित किसान ने यह भी कहा कि वो इन दिनों डरा और सहमा हुआ है। जब से मामला दर्ज हुआ है, आपराधिक प्रवृत्ति के बदमाश उनका पीछा कर रहे हैं। 2 दिन पहले कलेक्टर ऑफिस गया था तो वहाँ से लौट के आया तो जब मैंने मेरे घर के यहाँ टर्न लिया तो मुझे लगा कि कोई गाड़ी मेरा पीछा कर रही है। तो मैं जैसे घर के बाहर जाके स्कूटर खड़ा किया और गेट बंद करके बाउंड्री वॉल के अंदर चला गया। मैंने देखा कि यार ये लोग खड़े क्यों हैं। मतलब स्वाभाविक है कि आपके घर के बाहर कोई गाड़ी आके रुकी तो आप देखेंगे भाई कौन आया। तो मैंने भी देखने का प्रयास करा तो कोई लोग उतरे नहीं। काफ़ी देर खड़ा रहा फिर भी कोई नहीं उतरा। फिर मैंने ऊपर जाके देखा, वाच किया उन लोगों को, तो करीब आधा घंटे में आवाज़ करता रहा तो कोई नहीं उतरा उसमें से और वो लोग गाड़ी के अंदर ही बैठे रहे। फिर मैंने अपने एक मित्र को फ़ोन करके बुलाया कि भाई तू आके देख के एक गाड़ी खड़ी है उसके अंदर कौन कौन लोग हैं। तो उसने कहा कि भाई 4-5 लोग पहलवान टाइप के लोग बैठे हैं गाड़ी के अंदर और मस्ती कर रहे हैं। वो गाड़ी करीब घंटे भर मेरे घर के बाहर खड़ी रही। उसके बाद थोड़ा आगे जाके फिर हनुमान मंदिर के वहाँ पर टर्न पर खड़ी हो गई। उसके बाद शाम को फिर एक आदमी बिना नंबर की मोटरसाइकिल लेके मुंह पे कपड़ा बांधे हुए करीब घंटे भर मेरे घर के बाहर खड़ा रहा। मुझे ये लग रहा है पहले भी जिन लोगों से अभी मेरा विवाद चल रहा है उन लोगों के द्वारा मतलब इस प्रकार की हरकतें पहले भी की गई। एक बार पहले भी मुझे विजयनगर चौराहे पे घेरा था तो उससे ऐसा लगता है कि ये उन्हीं लोगों के द्वारा भेजे हुए आदमी हैं। अच्छा, मुझे ऐसा भी विश्वास सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि वो लोग मुझे और मेरा साथ देने वाले लोगों को झूठे मामलों या झूठे केसों में फंसाने की साजिश कर रहे हैं। इस मामले में ईओडब्ल्यू पहले से 2 महिला कारोबारी समेत 5 नामचीन उद्योगपतियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर चुकी है। इस मामले में ईओडब्ल्यू ने जिन उद्योगपतियों और इंदौर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ पूरे मामले में सहभागिता पाए जाने पर भारतीय दंड विधान की धारा 420, 467, 468, 471 और 120B का मामला दर्ज किया। इनमें तुलसीदास पिता ताराचंद मानवानी, गिरीश पिता श्रीकृष्ण मतलानी, चांदनी पति गिरीश मतलानी और हीना वाधवानी शामिल है।
अपराध ब्यूरो ईओडब्ल्यू भोपाल ने जिस जमीन को गलत तरीके से अपनी कंपनी के नाम ट्रांसफर करने के मामले में इंदौर शहर के 5 बड़े उद्योगपतियों के साथ आईडीए के तत्कालीन अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। इसी मामले में अब मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि किसान जगदीश चंद्र पालीवाल की जमीन पर किसी अनाधिकृत व्यक्ति ने होटल बना ली है जिसका नाम होटल वाओ है। यह मामला जनहित से जुड़ा है, ऐसे में इसमें शीघ्र ठोस कार्रवाई होगी। नीमच के किसान जगदीश चंद्र पालीवाल को न्याय मिलने की आस उस समय पुख्ता तौर पर और जाग सी गई जब प्रदेश की कमलनाथ सरकार के प्रभावी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि किसान जगदीश चंद्र पालीवाल के भूखंड पर किसी अनाधिकृत व्यक्ति ने होटल बना ली है, इसमें शीघ्र ठोस कार्रवाई होगी। जगदीश पालीवाल जी को जानता हूं, हम लोगों से भी मिले हैं। उनका किसी होटल के बारे में उनकी जमीन पे किसी व्यक्ति ने अनाधिकृत रूप से होटल बना दी है, होटल का नाम वाओ वाओ होटल है, उस पर अनाधिकृत रूप से कोई मतलानी परिवार है, कोई वाधवानी परिवार, इन लोगों ने अनाधिकृत रूप से उस पर होटल निर्माण कर दी, जबकि जमीन जगदीश पालीवाल की है। उस पर आर्थिक अपराध शाखा हमारी मध्य प्रदेश की जो है वहाँ के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने FIR के आदेश दे दिए हैं, FIR हो गई है। मंत्री वर्मा ने खुद भी माना कि ये भूखंड जगदीश चंद्र पालीवाल का है और सरकार ने पूरे मामले को संज्ञान में ले लिया है। आर्थिक अपराध शाखा भोपाल के आदेश पर मामला भी दर्ज हो चुका है, अब पीड़ित किसान को परेशान होने की जरूरत नहीं। अब जगदीश पालीवाल को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, सरकार हमारी हर उन आपराधिक कृत्यों पर संज्ञान लेती है जिससे जनहित का नुकसान होता है, तो FIR दर्ज हो गई है तमाम सरमायादार लोगों पे, उस पर निश्चित रूप से जल्दी शीघ्र ठोस कार्रवाई। दरअसल 1986 में जगदीश चंद्र पालीवाल ने होटल के उपयोग के लिए निविदा में होटल वाओ जिस पर बनी है वो भूखंड हासिल किया था। शुरुआत में किसान को कंपनी का सदस्य बनाया गया लेकिन बाद में रिटायर कर दिया गया। तभी से किसान न्याय के लिए भटक रहा था, लेकिन अब पहले ईओडब्ल्यू में प्रकरण दर्ज होने और प्रदेश के कद्दावर मंत्री वर्मा का आश्वासन मिलने के बाद एक बड़ी न्याय मिलने की आस किसान को बंधी है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरबान न्यूज, इंदौर।